हमारे मुतालबात सबको पता है, एक केस जो सी टी डी पर लगा है, इससे कहीं पहले हमारे पास एक लिस्ट वो भी है जो सी टी डी ने एक्सर्विशन किए, वो लिस्ट भी हमारे पास है और लेकिन उस पर कोई संजीदगी नहीं दिखाई गई है। और एक और चीज़ है कि अभी भी दर्जन भर अफराद इस मोमेंट के दौरान भी मतलब एक संस्था है जो चल रहा है, इतनी बड़ी मूवमेंट आई है तो उस पर भी ये लोग रुक नहीं रहे हैं। और सबसे बड़ी बात यह है कि इस्लामाबाद में हमारे साथ जो रवैया है बात चल रही है, इसकी कोई इंक्वायरी नहीं होती है, इसको किसी ने अकाउंटेबल नहीं होता, ना सुप्रीम कोर्ट ने इसका नोटिस दिया। जब ऑन मीडिया आई जी और मीटिंग के फवाद हुसैन फवाद जो है उन्होंने एक्सेप्ट किया कि गलत किया गया और अभी तक मतलब हम सर्दी में बैठे हैं, हमारे खिलाफ़ बयान भी आ रहे हैं और हमें हर तरफ से ब्लेम्स का सामना है। मुस्लिम अज़र साहिबा आ गई हैं, शी इज़ द वाइस चेयर। मैं चेयर लाइन और बल्तिस्तान और कश्मीर को भी रिपोर्ट इस हवाले से वो करती हैं। उनके साथ आप जाना माना नाम है, किसी तारुफ के मोहताज नहीं है, जनाब फरतुल्लाह बाबर साहब इस्टीम्ड काउंसिल मेंबर है हमारे साथ बैठे हुए। मेरी इस साइड पे अफरा सियाज खटक साहब बैठे हुए हैं जो ह्यूमन राइट्स कमीशन ऑफ पाकिस्तान के एक मेंबर, बहुत ही स्ट्रॉन्ग मेंबर रहे हैं और फॉर्मर चेयरपर्सन रहे हैं। और मेरे इस साइड पे बैठे हुए नासिर जैदी साहब जिनको आप मेरे से ज़्यादा जानते होंगे और आपको पता है कि ये सेक्रेटरी जनरल भी रह चुके हैं पाकिस्तान फेडरल यूनियन ऑफ जर्नलिस्ट के और इलेक्टेड काउंसिल मेंबर भी हैं। तो आप सबको हमने इसकी तरकीब दी, मैं अंग्रेज़ी में पढ़ देती हूँ जो हमने बनाया है, मगर साथ साथ आपका तर्जुमा जो है नासिर साहब भी करते रहेंगे और मैं भी करती रहूँगी। द ह्यूमन राइट्स कमीशन ऑफ पाकिस्तान इज डीपली कंसर्न बाई ओवरऑल डिटेरियरेटिंग स्टेट ऑफ ह्यूमन राइट्स इन द कंट्री दैट नीड अर्जेंट अटेंशन एज द न्यू ईयर अनफोल्ड्स। फॉरमोस्ट इज द ब्लेटेंट मैनिपुलेशन ऑफ द इलेक्टोरल लैंडस्केप in which one political party amongst others, क्योंकि सिर्फ एक नहीं है और भी जमातों के साथ ये हुआ है, has been singled out for systematic dismemberment, यानी कि एक systematic तरीके से उसको जो है dismember करने की कोशिश की गई है, उसको तोड़ा जा रहा है। While HRCP does not condone violence in any form by anyone, हम कंडेम करते हैं हर किस्म की दहशतगर्दी को या तशद्दुद को, मगर द स्टेट रिस्पॉन्स हैज बीन डिस्प्रोपोर्शनल।